गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। जितना आपको प्रीवियस वीडियो तक समझाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, वो अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन उसकी करें, तैयारी करें, और उसके साथ साथ जो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी क्या है साथ में दोहरान करते रहें, क्योंकि आवश्यक है कि हमारी जो अभी स्टडी चल रही है उसके साथ साथ जो चैप्टर हमारे पूर्व में कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी साथ साथ में रीड करना, उनको अच्छी तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रॉपर हम तैयारी नहीं करेंगे तो प्रीवियस जो चैप्टर है, प्रीवियस जो वीडियो है जिसकी तैयारी आपने की है वो आपकी लॉस हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान के साथ साथ जो अपना पास्ट में जो पढ़ाया जा चुका है उसकी भी तैयारी आवश्यक है, और लगातार और सतत तैयारी करनी भी आवश्यक है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा आपका रिजल्ट भी रहेगा। आज हम बात करेंगे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी किसी देश के संविधान को अस्तित्व में लाने का तरीका, उसको प्रचलन में लाने का तरीका है वो किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से देश के संविधान की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में प्रमुख चर्चा करेंगे। बात आती है कोई संविधान अस्तित्व में कैसे आया। सबसे पहले प्रमुख बात यह है कि प्रारंभ में संविधान नहीं था, तो बात आती है संविधान अस्तित्व में कैसे आया। तो इसका प्रमुख कारण ये रहा कि जो विशिष्ट जो लोग हैं, जो दूरदर्शिता से सोचते हैं, समझते हैं, उनके द्वारा क्या है कि जनता के विचार विमर्श को जान के, जनता की भावनाओं को जान के, उन्होंने किसका निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, और इस प्रकार से देश का संविधान है वो अस्तित्व में आया। आने का अन्य कारण यह भी है कि समाज में उस समय क्या थी, असमानताएं थी, अराजकता थी, अशांति थी, रोष थी, उसको दूर करने के लिए भी क्या है एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसे नियम सिद्धांत की आवश्यकता थी जो देश को एक मूलभूत इकाई के रूप में, एक सांचे के रूप में क्या है संगठित कर सके, और सभी लोग है वो विभिन्न विभिन्न होते हुए भी क्या है उस देश के संविधान के अंदर नियंत्रित रहते हुए परमुखता कार्य कर सके। बात आती है संविधान को किसने बनाया। सबसे पहले बात है कि संविधान को बनाया किसने है, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना कि जो लोग विशिष्ट दूरदर्शिता रखते हैं, विशिष्ट जिनकी विचारधाराएं होती है, जो हर बात को अच्छे तरीके से सोचते समझते हैं, चाहे वो वर्तमान स्थितियां हों, चाहे वो भविष्य की स्थितियां हों, चाहे वो अपने पहले स्थितियां गुजर चुकी हो, उनको ध्यान में रख के जो विचारधारा करने वाले लोग थे उनके विशिष्ट लोगों के द्वारा क्या है कि संविधान का निर्माण प्रमुखतः किया गया, संविधान बनाया गया। संविधान बनाने की कितनी शक्ति थी, अब बात यह संविधान बनाने की शक्ति थी वो किस प्रकार की थी, तो हम देखते हैं कि उस समय प्रमुख आवश्यकता ये थी कि समाज में जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, समाज में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे, तो उस समस्या का समाधान करना था। अब इस एक ऐसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता थी जो समाज में जो व्याप्त असमानताएं हैं, शोषण है, जो लड़ाई झगड़ा है उसको नियंत्रित कर सके, इस प्रकार से एक संविधान की शक्ति के रूप में इसका निर्माण प्रमुखतः किया गया है। बात आती है देशों में संविधान निष्प्रभावी होने का कारण। अब बात आती है संविधान का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है जो संविधान बनाया गया है वो प्रभावी हो, जो लोगों पे अपनी छाप छोड़ सके, लोग उसके पालन भी करें, वो निष्प्रभावी भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये सही तरीके से नहीं बनाया गया संविधान, सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो वो संविधान निष्प्रभावी हो जाते हैं, बिना किसी काम का रह जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। बात आती है सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा संविधान बनाना। अब सबसे पहली बात ये आती है इसमें कि संविधान बना तो लिया गया, किसके द्वारा बनाया गया, जो निष्प्रभावी संविधान हो गया। इसको बनाने वाले कौन थे, सैनिक शासक थे वो थे, इसके साथ ऐसे अलोकप्रिय नेता थे जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं था, लोग उनसे सहमत नहीं थे, लोग उनके विचारधाराओं का समर्थन नहीं करते। जब ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे शासकों के द्वारा संविधान बनाया गया, तो संविधान क्या है निष्प्रभावी हो गया, और जिसका समाज में देश में कोई महत्व नहीं रहा। बात आती है लोगों को साथ में लेकर चलने की शक्ति नहीं। जब संविधान बनाने वाले लोग हैं वो ऐसे संविधान का निर्माण करते जिसमें सभी लोगों की विचारधाराओं को, स्वतंत्रताओं को, समानताओं को परस्पर स्थान नहीं दिया गया हो, तो जिस कारण क्या है कि लोग उनसे सहमत नहीं होते, और सहमत नहीं होने कारण क्या होता है कि लोगों को साथ में लेकर चलने की ऐसे संविधान की कोई शक्ति नहीं होती, वो निष्प्रभावी हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, असक्रिय हो जाता है वो। सर्वाधिक सफल संविधान, अब बात करते हैं कि देश में विभिन्न देशों के द्वारा संविधान बनाए गए, उन देशों में से हम प्रमुख ऐसे देशों की बात करें जहां के देशों का जो संविधान है वो सफल रहा, जिसने विजय प्राप्त की और जिसके द्वारा लोग सहमत हुए और उसको अपना समर्थन प्रदान किया। तो एक प्रकार से कहा जाए तो कुछ ऐसे देशों के संविधानों की हम बात करेंगे जो सफल संविधान किसी देश के कहलाते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भारतीय संविधान की, फिर आती है दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, फिर आती है अमेरिका के संविधान की। ये तीन देश प्रमुखता है, इनके जो संविधान है, चाहे भारत का हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका का हो, चाहे अमेरिका का हो,
इन तीनों देशों के संविधान हैं वो सफल संविधान कह सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लोगों के विचारों को जाना गया, लोगों को महत्व दिया गया, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नियम सिद्धांत बनाए गए, और ऐसे लोगों के द्वारा प्रमुख संविधान बनाया गया जिनको लोगों का समर्थन प्राप्त था, लोग उनसे सहमत थे, उनके विचारों से अवगत थे, ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया, इस कारण ये संविधान देश के सफल हुए। बात आती है यहाँ संविधान का निर्माण सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया इन देशों में तो किस प्रकार से किया गया, कि अचानक संविधान का निर्माण हो गया या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिस कारण संविधान का निर्माण करना पड़ा। तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन हुए जो समस्याओं से जूझ रहे थे, समस्याएं देश में व्याप्त थी, रोष व्याप्त था, उन राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे प्रोग्रेस के चलने के बाद किसी देश में संविधान का निर्माण होता है तो वो वास्तविक रूप से क्या है, प्रभावी संविधान होता है, वास्तविक संविधान होता है। बात आती है भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान है उसको किस प्रकार से बनाया गया, किसने बनाया, संविधान को बनने में समय कितना लगा और इसकी कुछ अन्य गतिविधियां हैं उनके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है संविधान सभा ने संविधान बनाया। बात क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है उसके द्वारा भारतीय संविधान निर्माण किया गया है, उसको बनाया गया है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान है वो कौन से सन से कौन से सन के मध्य बनाया गया, तो ध्यान रखना कि 1946 से 1949 के मध्य क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, भारतीय संविधान को बनाया गया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, कुछ कितने वर्ष लगे, कुल कितने महीने लगे, तो ध्यान रखना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय है वो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान निर्माण में कौन से सन में कंप्लीट हुआ, 1946 से 1949 के मध्य हुआ। बात आती है कितना समय भारतीय संविधान को बनने में लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान के निर्माण पर मुक्त लगा है। राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास की प्रेरणा, अब इस संविधान में जो प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है वो किस प्रकार की प्रेरणा रही है, किस प्रकार के संघर्ष रहे हैं, तो प्रमुखता देखने को मिलता है कि राष्ट्र के लोगों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जो रोष उत्पन्न हुए, विभिन्न आक्रांताओं ने भारत पर जब आक्रमण किया, यहाँ पे अधिकार किया, तो एक लंबे आंदोलन चले, लंबे संघर्ष की प्रक्रिया चली, और उस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय देश के संविधान के निर्माण की मांग प्रमुखता उठी, ताकि भारत देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान बन सके, भारतीय लोगों के लिए भारत का ही संविधान हो, किसी दूसरे लोगों के द्वारा, किसी दूसरे देश के द्वारा भारतीय लोगों के संविधान नहीं बनाया जाए। तो बात आती है इसलिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास की प्रेरणा, यानी जो संविधान है वो आसानी से नहीं बना, वो एक साथ तुरंत नहीं बना, उसमें एक लंबे इतिहास की प्रेरणा रही है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं, सिद्धांत रहे हैं, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण प्रमुखतः किया गया है। बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की प्रेरणा। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं वो किसी राज्य से संबंधित नहीं होता, किसी जिले से संबंधित नहीं होता, किसी समाज से संबंधित नहीं होता, वो पूरे देश से संबंधित होता है, जिसमें समस्त देश की जनता सम्मिलित होती है, एक प्रकार से उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है कि देश के सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने, सभी प्रकार की जो जातियां हैं, वर्ण है, लिंग है, सभी ने क्या है प्रमुखतः योग लिया, सभी से राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। उसके बाद में क्या है, एक प्रकार से कहा जाए तो साथ में लेकर चलने की प्रेरणा है, यानी ऐसे लोगों के द्वारा जब संविधान बनाया गया, निर्माण किया गया, तो उसमें सभी लोगों को महत्व दिया गया, लोगों की आकांक्षाओं, विचारों, महत्व को जाना गया। बात आती है संविधान का निर्माण समाज के विशिष्ट लोगों के द्वारा। अब सबसे प्रमुख बात यह आती है किसी देश के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कौन है जो संविधान बनाते हैं, क्या एक सामान्य व्यक्ति संविधान बना सकता है, क्या एक पिछड़े हुए वर्ग के या कम सोच वाले जो बुद्धि वाले व्यक्ति, क्या वो संविधान बना सकते हैं, क्या एक अच्छी तरीके से नवीन सोच के साथ जो अपनी विचारधारा को डेवलपमेंट करता था, क्या ऐसे लोगों के द्वारा संविधान बनाया गया। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारतीय देश के संविधान का बनाने वाले लोग थे, विशिष्ट लोग थे, वो दूरदर्शिता के स्रोत थे, हर बात को सोचते थे, समझते थे, हर एक बात का सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षण करते थे, और हर बात को ध्यान में रखते हुए क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण है भारत के जो विशिष्ट लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, उनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण प्रमुखतः किया गया है। बात आती है जनता के विशिष्ट लोगों पर विश्वास। अब बात आती है कि हमने बात की पीछे कि अगर ऐसे लोगों के द्वारा अगर संविधान बना दिया जाए, जैसे हमने बात की थी कि सैनिक शासकों के द्वारा अगर संविधान बना दिया जाए या जो भ्रष्ट नेता है उनके द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया जाए, तो क्या जनता उस संविधान पर विश्वास करेगी, क्या जनता के द्वारा उस संविधान को समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जिन लोगों ने संविधान बनाया, संविधान का निर्माण किया, उसमें क्या है प्रमुखतः क्या है कि जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त था, जनता का सहयोग प्राप्त था, और जनता के विचारों को सोच समझ के ध्यान में रखते हुए
भारतीय संविधान निर्माण प्रमुख तय किया गया है। अब हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण विशिष्ट लोगों ने किया, तो बात आती है कि संविधान में प्रमुख तय किन बातों को जोड़ा गया है, किन को महत्व दिया गया है, क्या सभी को समान महत्व दिया गया है या कुछ विशेष लोगों को महत्व दिया गया, इसके बारे में प्रमुख हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है, संविधान व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं। संविधान है उसका निर्माण इसलिए नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समूह को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए, विशेष अधिकार दिए जाए, ताकि बाद में वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सके। तो एक प्रकार से कुछ बातें स्पष्ट है कि विशेष अधिकार किसी को नहीं दिए गए हैं। बात आती है संविधान को भारी वैधता प्राप्त। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को वैधता है, एक प्रकार से कहा जाए तो जनता का जो समर्थन है, शक्ति है, वो भारतीय संविधान को प्राप्त रही है। क्योंकि संविधान का निर्माण जिन लोगों के द्वारा किया गया वो जनता के बीच में रहने वाले लोग थे, जनता की भावनाओं को, जनता के विचारों को समझने वाले लोग थे, वो एक प्रकार से जमीन से जुड़े हुए लोग थे, समाज समस्याओं से जुड़े हुए जूझते हुए लोग थे, जिनके द्वारा क्या है कि भारतीय संविधान को वैधता प्राप्त हुई, जनता का समर्थन, जनता की शक्ति प्राप्त करते हुई है। बात आती है अंतिम प्रारूप है, राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है, जो अंतिम स्वरूप है, जो अंतिम उसका लक्ष्य प्रकट किया गया है, वो एक प्रकार से प्रमुख रूप से आम सहमति यानी सभी लोगों का जो समर्थन प्राप्त है, सभी लोगों का जो बहुमत प्राप्त है, उसमें प्रमुखता आधारित बताया गया है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया। हम बात भारत देश की नहीं कर रहे, हम बहुत सारे देशों के साथ में बात कर रहे हैं। तो कुछ देशों में देखने को मिलता है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है उससे पहले जनमत संग्रह करवाया गया है, जनता के विचारों को, जनता के राय को, जनता के विचार किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की उनकी मांग है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या है कि जनमत संग्रह करें। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता के विचारों को जानना, जनता के विचार सोच किस प्रकार के, उसको ध्यान में रखना, फिर इसका निर्माण किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान पर ऐसा जनमत संग्रह नहीं। लेकिन बात करें भारतीय देश की, तो उस समय क्या है, भारतीय देश में जनमत संग्रह प्रमुख रूप से नहीं करवाया गया। इसका प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि जो विशिष्ट लोग हैं, जो संविधान को बनाने वाले लोग हैं, वो जनता से बीच के जुड़े हुए लोग थे, जनताओं के संपर्क में रहने वाले लोग थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जिस कारण क्या है कि उनके जो विचार थे वो प्रमुख रूप से जनता से संबंधित थे। जनता क्या चाहती है, जनता का क्या लक्ष्य है, जनता में समस्या क्या है, क्या उनके उद्देश्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशिष्ट लोगों के द्वारा भारतीय देश के संविधान का निर्माण प्रमुख तय किया गया है। तो जनता का समर्थन है उसमें संग्रह नहीं करवाया गया, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, वो जनता से जुड़े हुए संबंधित लोग थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे। बात आती है भारतीय संविधान लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है वो लोकप्रिय नेता यानी जनता में जिन नेताओं को प्रिय माना गया है, जिनको सम्मानित माना गया है, जिनकी समाज में विशेष रूप से रिस्पेक्ट सम्मान किए जाते हैं, और उसके साथ साथ समर्थन पर आधारित है। जो भारतीय संविधान है वो जनता के विचारों को पूर्ण रूप से क्या है कि एक प्रकार से कहा है तो समर्थन प्राप्त होता है, क्योंकि जनता है वो एक प्रकार से अपने विचारों से अपने नेताओं को, विशिष्ट लोगों को अवगत कराती रहती है। बात आती है संविधान की सफलता निर्भर संविधान निर्माताओं पर। अब बात आती है किसी देश का जो संविधान है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, क्या संविधान निर्माताओं पर या सरकार पर निर्भर करती है। तो प्रमुख रूप से जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है, संविधान को बनाया है, उन लोगों पे क्या है किसी देश की संविधान की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि उनकी सोच कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, उनके लक्ष्य क्या है, उनकी सोचने की क्षमता कितनी है, वो भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं, वर्तमान समय के बारे में कितना जानते हैं, उसके आधार पर एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान की सफलता है वो संविधान के जो निर्माता है, जो बनाने वाले, उन पर निर्भर प्रमुखता करती है। बात आती है संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान का आदर करने का कोई कारण अवश्य है, हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, संविधान को मानते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हो सकता है अगर हमारा संविधान है वो हमारे हितों को महत्व देता है तो हम संविधान का पालन अवश्य करेंगे। बात आती है बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों को शोषण। हम देखते हैं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं यानी जिनका देश में प्रभुत्व अधिक है, उन लोगों के द्वारा क्या है कि जो अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम है, उन पर प्रमुख रूप से क्या नियंत्रण किया जाता है, शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। बात आती है अल्पसंख्यकों द्वारा संविधान का आदर नहीं। जिन लोगों को क्या सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है समाज में, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या वो ऐसे लोग संविधान का आदर करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे? तो अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा संविधान का आदर प्रमुखतः नहीं किया जाता। संविधान कुछ लोगों को अधिक सुविधाएं। अगर मान लो किसी देश का संविधान है वो समाज में सभी को समान नहीं मानता, समान स्वतंत्रता, समान अधिकार प्रदान नहीं करता, कुछ विशिष्ट लोगों को अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो वहां क्या है कि संविधान को कुछ लोगों को अधिक सुविधाएं मिल जाती है, जिस कारण भी संविधान का पालन प्रमुखतः नहीं किया जाता। छोटे समूह को मजबूत करने की संविधान की निष्ठा नहीं। अब बात है कि अगर संविधान है वो जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी हुई जातियां हैं, अगर उनको मजबूत करने का प्रयास नहीं करते तो ऐसे वर्ग है, ऐसे समूह है, वो संविधान का पालन नहीं करते, संविधान को नहीं मानते। बात आती है समूह की पहचान दबाई जाए तो आदर करने का कारण नहीं। अगर किसी समूह की,
किसी वर्ग की अगर उसके लक्ष्य हैं, उसके उद्देश्य हैं, उनको दबाया जाए, उनको छुपाया जाए, उनको प्रकट नहीं होने दिया जाए, तो क्या होगा कि आदर करने का कारण ऐसे लोग, ऐसे वर्ग, ऐसे समूह क्या है, संविधान का पालन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे और संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास प्रमुखतः करेंगे। भारतीय संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता। भारतीय संविधान है खुद वो न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता। तो भारतीय आदर्श स्वरूप की स्थापना कौन करता है? संविधान के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए, जो सिद्धांत बनाए गए, उनके द्वारा क्या है, समाज में न्याय के सिद्धांत की स्थापना होती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान है वो अगर अच्छे लोगों द्वारा बनाया जाए, लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया जाए, तो संविधान का पालन किया जाएगा, सभी को समान रूप से अधिकार मिले, स्वतंत्रताएं मिले, तो सभी लोग उसको समर्थन देंगे। लेकिन अगर किसी विशेष वर्ग को, विशेष बहुसंख्यक लोगों को अगर समान रूप से अत्यधिक अधिकार दे दिए गए, तो समाज में असमानता व्याप्त हो जाएगी और कुछ लोग क्या है, संविधान का समर्थन नहीं करेंगे, उसका नियमों का पालन नहीं करेंगे।